News 18, India. नमो नारायण, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएई की राजधानी अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की। और आज शाम 6 बजे पीएम बीएपीएस स्वामी नारायण हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। अबू धाबी में बने यूएई के सबसे बड़े इस मंदिर के उद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। न्यूज 18 इंडिया पर आप उस भव्य हिंदू मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप आगे देखने वाले हैं। देखिए, 2018 में इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था, लगभग 6 साल का समय लगा और फिर उसके बाद विशाल मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है। और इसी के लिए यूएई में रहने वाले लोगों में इस वक्त भारी उत्साह है। बताया ये जा रहा है, ये जो उद्घाटन समारोह है, शाम के वक्त जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, करीब 5,000 श्रद्धालु वहां पर इस वक्त मौजूद रहेंगे और उन्हीं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ये जो भव्य मंदिर बना है इसका उद्घाटन करने वाले हैं। अबू धाबी में बना बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर बेहद खास है, मगर यूएई का पहला हिंदू मंदिर होने के नाते उसकी खासियत और भी ज्यादा हो जाती है। सिलसिलेवार तरीके से बिंदु दर बिंदु आपको हम समझाते चलते हैं। 27 एकड़ में फैला है ये बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर। 27 एकड़ में बनकर तो आप समझ सकते हैं कितना भव्य और दिव्य लग रहा होगा, कितनी बड़ी इस पर इसके पास जमीन है। मंदिर की ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 108 फीट ऊंचा ये मंदिर, और थोड़ा थोड़ा आपको राम मंदिर जैसा दिखाई देगा ये स्ट्रक्चर। आप देखिए, ये पताका ऊपर फहरती हुई आपको नजर आएगी। निर्माण में कितना खर्च हुआ? 700 करोड़ रुपए की लागत निर्माण में आती है। राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना है ये पूरा मंदिर। 40,000 क्यूबिक फीट संगमरमर का इस्तेमाल इसमें हुआ। 300 हाईटेक सेंसरों से लैस है। निर्माण की शैली आधुनिक रखी गई है और भारतीय कारीगरों ने खूबसूरत तरीके से नक्काशी की है। वैदिक वास्तुकला से प्रेरित है ये पूरा इस मंदिर का डिजाइन। किस तरह से ये जो अबू धाबी में मंदिर बना है भव्य है, खूबसूरत है, और कैसे जो नक्काशी मंदिर के ऊपर की गई है वो सबका मन मोह लेने वाली है। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, देखिए 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर में अबू धाबी में बना हुआ बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। इसकी सुंदरता के चर्चे पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहे हैं। शाम को प्रधानमंत्री यूएई को अबू धाबी को उसका पहला मंदिर ये सौंपने वाले हैं, जो कि मजदूरों और कारीगरों ने लगभग 6 साल खून पसीना बहाकर बनाया है और अब हर कोई इसे देखने को उत्सुक है, आतुर है। यहाँ पर हर कोई पहुंचना चाहता है और भारत में जितने भी मंदिर हैं उन सभी की यहाँ पर छटा दिखाई दे जाएगी, हूबहू उससे मिलता जुलता। ये जो राम मंदिर अयोध्या में अभी बना है उससे मिलता जुलता भी ये मंदिर है। खास बात ये है कि यहाँ पर जो नदियां हैं, वो चाहे यमुना है, गंगा है, उन सभी का पवित्र जल भी वहां लेकर के जाया गया है। न्यूज 18 इंडिया के अमन चोपड़ा वहीं इस वक्त मौजूद हैं। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमन, अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार चल रहा है, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन अभी जिसका जिक्र शालिनी कर रही थी कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर माँ गंगा, माँ जमुना और सरस्वती का जल विशेष तौर पर लाया गया। सरस्वती प्रकाश के रूप में मंदिर में प्रवेश करती हुई, नंबर एक। नंबर दो, गंगा जी और जमुना जी का जल यहाँ पर विशेष तौर पर लाया गया। 7 शिखर इसमें बनाए गए हैं। 7 शिखर इसमें पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, यानी पूरे भारत जो सनातन के सूत्र में बंधा हुआ है उसमें पूरे भारत की यहाँ पर भगवानों को जगह दी गई है। इसमें से भगवान राम लक्ष्मण का एक मंदिर, इसके अलावा महादेव का एक मंदिर, इसके अलावा राधा कृष्ण का एक मंदिर, भगवान अयप्पा का भी मंदिर इसमें जो है वो बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है वो ये कि सर्वधर्म संभाव की सबसे बड़ी मिसाल इस मंदिर को बताया जा रहा है। जमीन बताया गया कि मुस्लिम शासक ने दी, इसके जो मुख्य आर्किटेक्ट हैं वो एक ईसाई हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर एक सिख, डिजाइनर एक बौद्ध, कंस्ट्रक्शन कंपनी एक पारसी ग्रुप और निदेशक जो है वो जैन समुदाय से है। देखिए, बार बार जब हम यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों से मिल रहे हैं, सबका एक ही भाव है कि एक तरीके से अबू धाबी में काशी उतर आई है।
या अबू धाबी में अयोध्या या राम मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। 1997 में इसका सपना देखा गया था प्रमुख स्वामी जी महाराज द्वारा, और फिर आज 2024 में अगर ये होता नजर आ रहा है, यहाँ पर भी जो बीएपीएस बैप से लोग हैं सबका ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो ना अयोध्या में मंदिर होता ना यहाँ पर ये इस तरह से मंदिर इतना खूबसूरत रूप ले पाता। अमन, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, हम तो यहाँ से सिर्फ तस्वीरें देख पा रहे हैं, खबरें पढ़ पा रहे हैं, और तभी हमें समझ आ रहा है कि किस तरीके से नजरिया बदल गया है गल्फ कंट्रीज का इंडिया के प्रति। आप जरा ग्राउंड पर हैं, क्या फील कर पा रहे हैं, लोग कितना चेंज इंडिया देख रहे हैं? और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो शायद मंदिर न बन पाता, 2015 से ही तो पहल हुई इसकी। देखिए, कल इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, उन्होंने कहा कि जब 2015 में मैं यहाँ पर आया था, 1981 में इंदिरा गांधी यहाँ पर आई थी, उसके 34 साल तक कोई प्रधानमंत्री यूएई नहीं आया, 3 दशक तक कोई प्रधानमंत्री यूएई नहीं आया। 1981 में इंदिरा गांधी आई थी, 34 साल, 2015, 2017, 18, 19, 22 में 2 बार, फिर 23 और फिर 24, कुल मिलाकर 7 बार प्रधानमंत्री यहाँ पर आए। उन्होंने जिक्र किया 2015 में जब मैं पहली बार यहाँ पर आया तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस पूरे परिवार के साथ उनको रिसीव करने यहाँ पर आए थे, प्रधानमंत्री को उन्होंने रिसीव किया। उन्होंने एक और चीज का जिक्र किया, जो यूपीआई पेमेंट लॉन्च किया गया है उसका नाम जीवन रखा गया है। तो भारत और यूएई के बीच जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो आपका सवाल था कि क्या बदला क्या नहीं बदला, वो इस बात से समझ सकते हैं कि $85 बिलियन का ट्रेड कारोबार है भारत और यूएई के बीच, और ये जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं, जो मंदिर बन रहा है उसके साथ साथ आर्थिक रिश्ते भी हैं, साथ ही इंडिया मिडल ईस्ट यूएई जो कॉरिडोर है, जो यूरोप कॉरिडोर है, उसके लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ये जो टाइज है। अब यहाँ पर मतलब बतौर भारतीय जब हम लोग भी यहाँ पर हैं तो हम देखते हैं बदलाव में बहुत ज़्यादा बदलाव है। एक चीज़ मैंने नोट किया वो यहाँ पर ये कि पाकिस्तानियों को लेकर मतलब एक थोड़ा सा रूखा रवैया है, मतलब वो एक बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि चीन की काट के लिहाज से और पाकिस्तान की काट के लिहाज से और OIC में 2019 में भारत जो है गेस्ट ऑफ ऑनर था वो यूएई की वजह से था। यही नहीं, जब 370 हटी थी तब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयन, या 370 हटने के समय यूएई का जो टेक था वो ये था कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, नंबर एक। नंबर दो, कश्मीर में पहली ओवरसीज कंपनी मेगा मॉल बनाने वाली, कश्मीर में पहली ओवरसीज कंपनी जिसने मेगा मॉल बनाया वो यूएई की एमआर है। बिल्कुल अमन, लौटेंगे भी हम आपके पास, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कैसे रिश्तों में बदलाव आया, वो रिश्तों के बदलाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जाहिर किया। प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति को अपना भाई बताया, ये कहा कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने बस एक बार कहने पर ही मंदिर के लिए जमीन दे दी। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हां कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है।